वोकल न्यूज शेड्यूल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेडोल भारी रेत वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हुई जैतली नगर की सड़कें अनूपपुर जिले के जैतली नगर में एक भारी समस्या बनी हुई है क्योंकि जब से अमरकंटक का रास्ता बंद हुआ है तब से इसकी जगह लोगों ने जैतली नगर की सड़कों से आना जाना शुरू कर दिया है इस कारण से कई महीनों से सभी भारी वाहन भी सड़क से गुजर रहे हैं जिस कारण यह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है दरअसल जैतरी नगर की सड़कें इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि इतने भारी वाहनों को झेल सके यह उनकी क्षमता से ही बाहर है और कई समय से रेत के भारी वाहन इस सड़क से दिन रात गुजर रहे हैं जिससे इस सड़क की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है ये वाहन चालक अपनी मनमानी करते हैं और लोगों की जरा भी परवाह नहीं करते इस समस्या को लेकर नगर परिषद जैतरी के अध्यक्ष श्रीमती नवरत्नी शुक्ला ने जिला कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया है उन्होंने बताया कि जयत्री की सड़कें भारी वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कुछ बेखौफ वाहन चालक कई महीनों से इस रास्ते पर यहाँ अपनी रेत से भरे भारी वाहनों को लेकर गुजरते हैं इसी कारण से इस सड़क की हालत बदतर होती जा रही है और जैत्री नगर के लोगों को इन सड़कों पर आवागमन करने में बहुत दिक्कत हो रही है इस सबके पीछे सबसे ज्यादा तो ये रेत के ठेकेदार जिम्मेदार हैं जो मनमाने तरीके से शहर के बीच रेत के वाहन निकालते हैं जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है समस्या को लेकर जैतरी की नगर परिषद ने तुरंत ऐसे बाहरी वाहनों के जैतरी नगर की सड़कों पर आवागमन पर रोक लगाने की जिला कलेक्टर से मांग की है इनके अलावा उन्होंने अधीक्षक खनिज अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैथरी और थाना प्रभारी जैत्री को भी समस्या हेतु सूचना दी है जिससे जल्द से जल्द ऐसे खनिज ठेकेदार और रेत वाहन चालकों पर जैतरी नगर में परिवहन पर रोक लगाई जाए यह समस्या कई महीनों से जयत्री नगर में बनी हुई है जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर वक्त किसी दुर्घटना के होने का डर भी बना रहता है और इन सड़कों पर लोग सुरक्षित भी महसूस नहीं कर पाते प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालने की आवश्यकता है साथ ही ऐसे ठेकेदार और रेत वाहन चालकों पर भी कार्यवाही कर रोक लगाने की जरूरत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें धन्यवाद